व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं हेल्दी वेज ऑफ लिविंग। सबसे पहले मैं भोगाली बिहू, मकर संक्रांति, लोहाला और पोंगल की शुभकामनाएं देती हूँ। সকলো অসমীয়াকে মোৰ মাঘৰ বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আজি মই এটা মাঘৰ বিহুৰ স্পেচিয়েল ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ' কে জৰিয়ে মই আসাম কি বাৰে মে অৰ কুছ বাতে আপকে সাথ শ্বেয়াৰ কৰনা চাহুংগি। বেচিকেলি ইয়ে মাঘৰ বিহু য়া ফিৰ জো মকৰ সংক্ৰান্তি য়া পোংগল জো মনায়ে জাতে হে, এ সাৰে ফেষ্টিভেলছ এক হি তৰহ কে হোতে হে। জ্যাদাতৰ নেচাৰ য়া ফিৰ कल्टिवेशन से रिलेटेड होते हैं एंड इन सब ये सारे फेस्टिवल तकरीबन एक ही टाइम पे मनाया जाता है, वो होता है मिड जनवरी में, मिड ऑफ द मंथ होता है, 14-15 इसी टाइम पे मनाया जाता है। कोई कोई दो दिन या कोई पाँच दिन मनाते हैं। हम लोग भोगाली बिहू दो दिन तक मनाते हैं। इसे भोगाली बिहू इसलिए बोलते हैं क्योंकि टाइम पे बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट होता है, सब तरफ से खाना ही खाना होता है। मदर नेचर यानी कि प्रकृति हमको इस पर बहुत सारा खाना देते हैं एंड हर एक जीव जंतु इंसान सबके लिए बहुत सारा खाना होता है, बहुत सारा अनाज होता है इस वक्त। इसीलिए इस बिहू का नाम ही भोग से शुरू होता है, भोगाली होता है, ये भोग का टाइम, भोग का टाइम होता है। एक्चुअली इस टाइम पे जो किसान होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, वो अपना काम ख़त्म करते हैं। अपना हार्वेस्टिंग ख़त्म करने के बाद वो लोग अपना पूरे साल के लिए अनाज को स्टोर करके रख लेते हैं। इस टाइम पे किचन गार्डन भरे हुए होते हैं, तरह तरह के वेजिटेबल्स होते हैं इस सीज़न में, जो पोल्ट्री फिश या फिर जो मिल्क होता है वो भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है। इस टाइम पे काफ़ी सारे ग्रेन्स जैसे कि ब्लैक उड़द की दाल या फिर तिल, इन सब की भी खेती होते हैं। गुड़ बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है, तो इस सीज़न में इसीलिए लोग इस टाइम को सेलिब्रेट करते हैं। ज़्यादातर लोग फीस्ट अरेंज करते हैं सब लोग मिल के एक एक एरिया से, जैसे रूरल एरियाज में गांव, एक पूरा गांव इकट्ठा होता है एक जगह पे, रात को बॉन फायर होता है, उसके बाद उसमें फीस्ट अरेंज होता है। सब लोग अपने अपने तरफ से जो भी चाहे कंट्रीब्यूशन करके इस फीस्ट को एंजॉय करते हैं। शहरों में भी वैसे ही होता है, जनरली जो लोग होते हैं एक एरिया का लोग मिल के इसे इंजॉय करते हैं, फीस्ट इंजॉय करते हैं। मतलब इसमें होता है बहुत सारा खाना, खाने का काम ही होता है। तो बेसिकली यही होता है माघ बिहू में। दो दिन होते हैं, पहला दिन उड़ुका होता है जिस दिन फीस्ट होता है, जो तरह तरह के खाना खाते हैं, व्यंजन बनाते हैं, राइस के साथ लेते हैं रात को, ये डिनर में लिया जाता है। एंड जो सुबह दूसरे दिन सुबह जो माघ बिहू होता है, तो उस दिन सुबह उठ के जो सारे लोग अग्नि की पूजा करते हैं, एक बहुत बहुत बड़ा फायर का, एक बॉन फायर ऐसा, एक मेजी बोलते हैं हम लोग उसको, ऐसा बनाया जाता है और अग्निदेव से आशीर्वाद लाके अग्निदेव गर्माहट बनाए रखे, पूरे साल ठंड अच्छे से कट जाए, इसी तरह का एक कॉन्सेप्ट होता है माघ बिहू में। और उस दिन भी बहुत सारा खाना होता है, पीठास होते हैं, इंस्टेंट ब्रेकफास्ट होते हैं। आगे वीडियो में आगे मैं सारे चीज़ों के बारे में मैं बताती जाऊंगी आपको। और अग्नि को जो जो धरती से, मदर नेचर से जो जो चीज़ें प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि चावल, दाल, तिल, जो पीठा बनाते हैं, सब वो सारी चीज़ें अग्नि को समर्पित करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। यही होता है माघ बिहू में जनरली। आपके साथ आपके एरियाज में कैसे होते हैं या आपके गांव में कैसे होते हैं, ये आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मकर संक्रांति या फिर पोंगल के बारे में मुझे ज़्यादा पता तो नहीं है, अगर वो फेस्टिवल आप मनाते हैं तो आप मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा।
इस टाइम पे धान ऑलरेडी स्टोर हो जाते हैं, काली उड़द की दाल की खेती होते हैं, वो भी एक प्रोड्यूस होते हैं। इस तरह के तरह तरह के आलू मिलते हैं उस वक्त, जैसे कि ये नॉर्मल आलू, ये है बेबी पोटैटोज, ये होते हैं स्वीट पोटैटोज, और ये है याम, अलग अलग शेप और साइज के होते हैं। पोल्ट्रीज अवेलेबल होते हैं अलग अलग तरह की, जैसे डक्स या चिकन होते हैं, या फिर इस तरह का अलग अलग टाइप का लोकल फिशेस मिलते हैं इस टाइम पे, तो इसीलिए ये फीस्ट का टाइम होता है। दूसरे दिन सुबह प्रातः काल में बहुत ज़्यादा सुबह होती है, उस वक्त आके लोग नहा धो के आके आग जला के अग्नि की पूजा शुरू करते हैं। बहुत सारा खाना होते हैं उसका बाद, उसके बाद में ये ब्रेकफास्ट टेबल है, इसमें ये है पहला माँ कढ़ाई, ये एसेंशियल होता है। इसे बनाने के लिए इक्वल अमाउंट ऑफ मैंने लिया है स्टिकी राइस, ब्लैक उड़द की दाल और थोड़ा सा ज़्यादा तिल। इसे मुझे एक पैन में अच्छी तरह से रोस्ट करना होगा ताकि सारा चीज़ अच्छे से थोड़ा सा कुक हो जाए। इसे मीडियम आंच में ही करना होता है। जब ये पूरी तरह से रोस्ट हो जाए तो इसे ब्रेकफास्ट में लिया जाता है और थोड़ा सा अग्नि को चढ़ाया जाता है। ये है बॉयल याम और स्वीट पोटैटोस, इसे भी ब्रेकफास्ट में लिया जाता है। ये है पीठास, ये इसे तिल पीठा बोलते हैं, ये स्टिकी राइस के पीठा होते हैं सारे के सारे। इसमें तिल की फीलिंग होते हैं, इसमें कोकोनट की फीलिंग होती है, और ये भी स्टिकी राइस का है, ये गुड़ का है और ये सॉल्टी है। ये है स्टीम राइस केक, ये भी आमतौर पे होता है बिहू के टाइम पे, और ये सब बीच में है कोकोनट लड्डूस। ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, पहले बहुत बड़े बड़े बनाए जाते थे मटका या फिर किसी कैटल के मुंह में लेकर, बट आजकल इसे इडली स्टैंड में ही बनाते हैं सब लोग। अब आते हैं इंस्टेंट ब्रेकफास्ट के ओर। ये होते हैं ये सॉफ्ट राइस होते हैं जो इंस्टेंटली हम गर्म पानी डाल के सॉफ्ट करके खा सकते हैं। ये भी एक तरह का चीज़ होता है इस टाइम पे। ये होता है फ्लैटन राइस, आप शायद इसे पोहा बोलते हैं। ये होता है रोस्टेड राइस का पाउडर, हम इसे हांडो बोलते हैं, ये भी बहुत पॉपुलर है यहाँ पे। ये जैगरी है और ये है कार्ड। और एक चीज इस टाइम पे इंक्लूड होता है ब्रेकफास्ट में, ये है इसे रात को ही बना के रख दिया जाता है। ये है बैम्बू में बना हुआ स्टिकी राइस, इसे बैम्बू राइस बोलते हैं। इसका प्रोसेस मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। सोक स्टिकी राइस को मैं इस बैम्बू के टुकड़े में अंदर डाल रही हूँ इस तरह से। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी और उसके बाद इसका मुंह जनरली पत्ते या फिर किसी कागज़ से सील कर दिया जाता है, बट मैं इसे आटे से सील कर रही हूँ। अब उसको आग में इस बैम्बू को जलाया जाता है, मैंने गैस पे किया है, आप चाहे तो आग में कर सकते हैं। इसे जनरली दही या फिर किसी सब्जी के साथ लिया जाता है। अलग अलग जगह पे इस उत्सव को अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, मेरे यहाँ इसे इसी तरह से मनाया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, और साथ ही साथ मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।